मैं हूँ आरिशा, स्वागत है आप सबको अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत कीजिए अपने आप को वारिस फ्री क्लासेस में दोस्तों। तो दोस्तों पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री आ चुका है अंकगणित का। अंकगणित क्या होता है? अंकगणित वैसा शब्द है जो आपको बहुत हेल्प करेगा 9, 10, 12 में भी। तो दोस्तों जो अंकगणित है उसका बहुत सारे पार्ट है, मैंने पार्ट थ्री तक बना चुका है जिसमें सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तक बता दिया है। और आज जो बताने वाला वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? व्हाट इज कंपोजिट नंबर? जी हाँ दोस्तों, भाज्य संख्या को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, ठीक है। और हाँ दोस्तों, भाज्य संख्या का तीन नाम होता है। अब पूछिए क्या, इंग्लिश में तो हो गया कंपोजिट नंबर, और भाज्य का नाम होता है भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। लिख देता है दोस्तों, भाज्य या भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, ये तीनों को हम लोग भाज्य संख्या बोल सकते हैं। ये तीनों का नाम है, मतलब ये भाज्य संख्या का तीनों नाम है, ये समझ लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे यौगिक संख्या क्या है, तो मतलब समझिए कि वही भाज्य संख्या क्या है, संयुक्त संख्या क्या है, मतलब भाज्य संख्या क्या है, मतलब भाज्य संख्या क्या है। अब तो ये हो गया बेसिक डिटेल, अब जानते हैं असल में भाज्य संख्या है क्या। तो दोस्तों वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा भी अलावा, ठीक है दोस्तों, जैसे मानते हैं, देखिए पहले लिख लेता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा आंसर, तो दोस्तों वैसी संख्या या फिर वैसी प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या जो एक से अनंत तक जाती है, नहीं देखिए डिस्क्रिप्शन में वो भी देखिए, ठीक है दोस्तों। वैसी संख्या या फिर वैसी प्राकृतिक संख्या जो वैसी प्राकृतिक या फिर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य यौगिक संयुक्त कहते हैं। ऐसी संख्या दोस्तों, ऐसी संख्या जो एक से तो कटे, एक से कटे, खुद से कटे और दूसरे संख्या से भी कट जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या या फिर यौगिक संख्या, यानी कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो खुद से, एक से और दूसरे से भी कट जाए, मतलब तो वैसी संख्या जो पूरी तरह से किसी से भी कट जाए, खुद से कटे, एक से कटे और किसी भी अंग से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों। अगर कोई संख्या खुद से कट रहा है और दूसरे चीज से खुद से कट रहा है और एक से कट रहा है, तो वो भाज्य नहीं होगा, क्योंकि उसको अन्य संख्या से भी कटना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जांपल में जैसे एक से अगर हम शुरुआत करें, तो एक तो ना भाज्य संख्या होता है, और इसके बाद जो बनाने वाले अभाज्य वो भी नहीं होता, ठीक है। तो एक पॉइंट आई, और दो, तो दो क्या है दोस्तों? दो को हम कितना बार काट सकते हैं, ये पहले ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोस्तों एक सूत्र है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों जैसे दो को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो पहले सोच दो कैसे करना है, दो कितने से कट सकता है, ये ध्यान देना है, एक से, दो से, ठीक है। वैसी संख्या जो दो, वैसी संख्या इसका अगर आप सर जानना चाहे अच्छा से, इसका एक और आंसर हो सकता, बनाना चाहे तो बन सकता है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड दो से ज्यादा हो। जी हाँ दोस्तों, दो से अधिक हो, ठीक है दोस्तों, दो से अधिक हो, इतना समझ लीजिए। तो अगर हम इस बात को याद रखें, जो दो से अधिक हो, तो दो का कितना है? एक है और दो है, वह दो से कट रहा है, दो से अधिक हो, यहाँ पे इसका गुणनखंड एक और दो है, तो ये अभाज्य भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम यहाँ पे तीन की बात करें, तो तीन भी वही एक से कट रहा है और तीन से कट रहा है, कोई अंक से नहीं कट रहा है, ये भी भाज्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगर हम चार की बात करें, तो चार एक से कट रहा है, दो से कट रहा है, चार से कट रहा है, तो ये हमारा भाज्य संख्या है, ये हमारा भाज्य संख्या है। पांच को अगर करें, तो ये एक से और पांच से, इसके अलावा किसी से नहीं कट रहा, ये भी भाज्य नहीं है। छह है दोस्तों, एक से कट रहा है,
दो से भी कट रहा है, तीन से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, दो से अधिक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और आंसर लिख लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और आंसर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसका जिसका घूमन खंड, ठीक है दोस्तों, गुणनखंड तीन या तीन से अधिक है। ठीक है दोस्तों, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड तीन या तीन से अधिक है। जी हाँ दोस्तों, वैसी संख्या जिसको गुणा करने पर उसका गुणनखंड तीन या तीन से अधिक है। अगर आपको दो आ रहा है तो समझिए वो नहीं है, वो भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना बात ध्यान रखिए, पूरा मैं प्रूफ के साथ बताता हूँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एकदम पूरा बेसिक बेसिक चीज आपको बताते थे, कभी भी आप कन्फ्यूज नहीं करिए, तो ये बात ध्यान। तो आप तो समझ गए भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो एक और समय के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और जिसका गुणनखंड तीनों या फिर तीन से ज्यादा। अगर आप कोई भी निकाले जैसे कि 15, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल 15 पूछे कि क्या ये भाज्य संख्या है, तो है, क्यों, क्योंकि इसका गुणनखंड अगर देखें दोस्तों 15, ठीक है, 15 का 1 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 3 हो रहा है, और यहाँ पे 5 भी हो रहा है, और यहाँ पे खुद 15 भी, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 4, इसका 4 गुणनखंड हो गया। ठीक है तो ये भाज्य है 16 का, तो 16 का भी वैसे ही है, 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, और 16 हो गया, 8 हो गया, तो ये भी भाज्य है। जो संख्या अगर अगर आपसे कोई पूछे 19, तो 19 का क्या होगा, 1 होगा, और यहाँ पे 1 होगा दोस्तों, और यहाँ पे 19 होगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा 19। ठीक है दोस्तों, 1 होगा, 19 होगा, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये भाज्य संख्या हमारा नहीं कहेगा, 17 भी नहीं कहेगा दोस्तों, 15 कहेगा दोस्तों, 15 कहेगा, क्योंकि 15 कट रहा है 5 से, 3 से, 15 से, 2, 3 और 3 से ज्यादा उसका गुणनखंड आ रहा है, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हम बात करें 23 की, तो 23 भी नहीं होगा, 29 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, मानिए समझ गए कि कौन कौन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप ही से हमको मोटिवेट मिलता है। और हाँ दोस्तों, अंकगणित का ये पार्ट 4 है, अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं देखिए, पार्ट 1 में प्राकृतिक पूर्ण संख्या, और पार्ट 2 में सम विषम संख्या, और पार्ट 3 में इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या को अच्छी तरह से बताया गया है। तीनों देखिए, तीनों अंकगणित का है। ठीक है दोस्तों, तीनों अंकगणित का बेसिक चीज़ है, वो जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ये पार्ट 4 है, पार्ट 3 2 1 नहीं देखे तो जाकर वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो दोस्तों ये कब समझ में गए, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पाए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ध्यान से।